हेलो दोस्तों, रत्ना विजन में आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो टूर शुरू हो रहा है मेरा, तो टूर शुरू होने से क्या है कि 4 दिन टूर रहेगा और पूरे 4 दिन बस्ती में हिमाचल की कहां कहां जाऊंगा वो आपको ब्लॉग में पता लगेगा। ब्लॉग छोटे और आपको वैल्यूएबल हो, आपको कुछ पता लगे। तो चलें, पहले हमारी ये जान, इसके बगैर हम नहीं है महान। ये हमारा बैग, फौजी तैयार हो गए, तो अब निकलेंगे हम वे टू हिमाचल। जब भी हिमाचल का नाम आता है ना, मेरे को जर्नी करनी होती है तो मेरे अंदर ना एक एनर्जी आ जाती है। आई फील वेरी हैप्पी। ओहो, गर्मी से फिर बुरा हाल। हमारे पता नहीं क्यों, मतलब कि आसपास बाड़े आ गई और हमारे यहाँ पे गर्मी ने ना तंग कर दिया। गाड़ी ऐसे है जैसे ओवन बन गई है, यही मुर्गा रख के इसको बना दो। जब भी निकलो टूर के लिए तो गाड़ी हमेशा ऐसे साफ करो। तो दोस्तों, पहाड़ों का अनुभव शुरू हो गया है, लेकिन धूप देखो, पीछे धूप अभी भी है यहाँ पर। मतलब यहाँ पे भी मौसम फिलहाल तो नहीं है, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। आगे जाके आपको पता लगेगा कौन से पहाड़ है ये। फिलहाल तो आप वीडियो देखते जाओ और मेरी बातें सुनते जाओ। सफर करते करते गाड़ी को लग गई भूख। अभी पहुंच गए हम गगरेट। वो सामने देखो मौसम कितना बढ़िया है। ये अभी आ गई सेंटर से, ऐसे ही क्रॉस करते गगरेट की उतराई, डीप उतराई के बाद सामने वो देखो कितना सोना व्यू आ रहा है। आ गए अंकल जी, आ गए पंजाब रोड के। अभी मौसम जो है ना बिल्कुल डार्क हो गया है, तो अभी फीलिंग आनी शुरू हुई है हिमाचल की। जो कौन सा आ गया, ये गेवट बोर्ड क्या लिखा हुआ था। तो अभी मतलब मौसम शानदार हुआ है, मतलब पंजाब से थोड़ा सा फर्क हो गया है। बारिश का अनुमान पता नहीं है, आगे जाके पता लगेगा। अभी आगे जी महता चिंतपूर्णी वाले रोड पे बरवाई पर, यहाँ पर लंगर बहुत लगे हैं और क्योंकि अपने सावन का महीना भी शुरू हो गया है, तो वो भी अभी मेले शुरू हो जाएंगे, तो पहले से शुरू हो गया काम। यहाँ पर माता का आ गया, जय माता भवन, इधर जय माता। यहाँ पर आम सारे पक गए, देखो टपका आम है यहाँ, इसको टपका बोलते हैं। तो यहाँ पर लोग अब फ्री का यहाँ से तोड़ के तो पब्लिक को भेजते हैं, जो भी निकलता है यहाँ से गुजरेगा मुसाफिर उसको मिलेंगे खाने के लिए। ये बंदे बैठे हैं आम लेके, तो शायद आके ले ले। ऊपर काफी लगे हुए हैं आम, है बड़े सुंदर लगे हुए हैं। ये बंदे जी 80 रुपए की टोकरी दे रहे हैं, तो आप क्या नेगोशिएशन करके कितने की ले सकते हैं? 50 रुपए की, 50 रुपए की दे रहे हैं आराम से खाने या तो ना। लेकिन हम ये भाई साहब लेके आए अपने घर के, तो फिर वो देखेंगे कैसा स्वाद है। हिमाचल की बस आ गई आगे, हिम सेतु, हिम सेतु से मेनू हिम पुत लगा, हिम सेतु जी। लगता है सारे छुट्टियां काट के आए हैं, फ्राइडे सैटरडे ना, संडे की वापसी है लोगों की। लेकिन व्यू बहुत अच्छा यार, अभी कभी धूप कभी हवा, देख इसको आग कैसे लगी हुई है, उड़ता ही जा रहा है बंदा। व्यू कितना सोना शानदार है। गहरी उतराई है, धीरे चले, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा कि धीरे चले, वो देखो लोग उठा रहे हैं, बॉडी बिल्डर साहब। क्या मौसम है, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी सर्दी कह रहे हो धूप। वो पहले क्या बोलते होते थे यार अपने टाइम में बचपन में, गिद्दड़ गिद्दड़ी था ब्याह बारिश में, धूप में बारिश। ये मोटरसाइकिलिस्ट देख लो पूरे आ रहे हैं सैर करते हैं यार। गहर देखो ना, मैं अब अगर पिछला मेरा वीडियो देखेगा ना, तो 10 दिन पहले का वीडियो है मेरा, शायद 10 दिन, 10 दिन भी नहीं पूरे होंगे, तब बिल्कुल गोल्डन थे ये सारे पहाड़। ये देखो हम देख यार, वो येलो हो गए, पूरे येलो लग रहे हैं। पीले, पीले, पीले। और सामने व्यू देख कितना शानदार आ रहा है। अब है मतलब पर जुलाई का, यहाँ तक तो हमारे प्रॉब्लम नहीं है ना बरसातों की, लेकिन जैसे मनाली मनुली वाला रोड है वो खतरनाक हो गया। ये आगे देखो ये वाले, यहाँ पर मैं हमेशा बोलता हूँ गाड़ी स्लो, नहीं तो आप ऐसे लुटक के वहां जाओगे बाहर। वो देखो गाड़ी खोल के बेच रहे हैं, क्या टिक्की क्या कर रहे हैं ये, क्या आम बेच रहा है वैसे ही आम ही बेच रहा है। ये कौन सा ब्यास है, राधा स्वामी दलियारा, राधा स्वामी फिर से देख लो ये
गोल गोल सिलेंडर, तो इसको इनको देख के ये समझ जाओ कि स्लो चलानी है, अकलमंदों की तरह चलानी है गाड़ी। और आगे बस तीन बार आते हैं ये, उसके बाद हम बिल्कुल आ जाएंगे प्लेन पर। ये देखो कितना टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर गाड़ी। और आम यार, आम ही आम है, अगर आम खाने का हमारे पास आम बढ़िया, और आम ही आम लगाए सब तो पक गया पूरा। जगह पर बेच रहे हैं सारे आम, है आम सारे जगह जगह पर बेच रहे हैं। ब्यूटीफुल। तो कटहल भी आ गया भाई, कटहल भी आ गया, पर कटहल इतना बड़ा लेके करना क्या हमने, ये तो पूरा देंगे। पूरा ही रोड ना यहाँ से, मतलब मेरे ख्याल में ले ले भवन माता चिंतपुर्णी से जो ज्वाला जी वाला रोड है, परवाई से, हाँ परवाई से लेके टलियारे तक आम ही आम है यहाँ पर। इस सीजन में आ जाओ और यहाँ पर रुको 2-4 घंटे और आराम से जितना टपका आम जी भर के खाओ। जो नीचे देख कैसे गिरे हुए हैं वो देख, सामने फिर आ गया आम पूरा भरा पड़ा है, सारे भरे पड़े हैं, कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है जो खाली हो, सब भरा पड़ा बुरी तरह से। हाँ सारे नीचे गिरे हुए, गाड़ी के नीचे कितने आ गए, गाड़ी के नीचे देख देख देख, ये भी आम का आ गया, ये देख वो देख नीचे गिरे हुए। ये आ गए जी डलियारा की मार्केट। अच्छा इस रोड पे ना खाने पीने की भी मतलब कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऊना नंगल वाले रोड पे चल जाओ ना तो वहां पर तो कुछ ही नहीं नजर आता। डलियारा सबसे मेरे को बढ़िया पुल लगता है ये वाला डलियारा में, तो ढाबे बहुत अच्छी है, ये शुद्ध वैष्णो पंजाबी ढाबा और ये वाला, इस पे बैठते हैं हम लोग ज्यादा, इसकी चाय बहुत स्वाद है वैष्णो ढाबे वाले। नहर पुखण, नहर पुखण की फिश ज्यादा मशहूर है ना, यहाँ फिश बहुत मिलती है, खूबसूरत, आजकल मजा आता है। जर्नी करते हुए हमें 2 घंटे हो गए हैं और लेकिन फिर धूप आ गई, ये स्वाद खराब हो गया, जो बार बार धूप बीच में आती है ना ये सारा लुफ्त जो है खत्म कर देती। क्यों भाई सही है ना, बदली बदल बदली बदल, बिल्कुल बिल्कुल। जुलाई अगस्त का महीना नहीं तो अपना ऊपर हिमाचल में बादल नीचे आए होते हैं, ये देख सारे मतलब के वापस आ जा रहे हैं और हम जा रहे हैं, मुझे सब आ रहे हैं। हम जब पहुंचेंगे तो कम से कम हमें मतलब रहने खाने पीने की सुविधाएं अच्छी मिल जाएंगी, क्योंकि तो जब ज्यादा रश होता है ना तो फिर बुरा हाल होता है। ये आगे सुनीत जी आया, सुनीत ना सुनीत। अभी हम ये सुंदर सा पुल क्रॉस करके दोनों तरफ ये लगाए हुए हैं कि कोई बंदा छलांग ना लगाए, और लोग ना गंद भी डालते इसलिए भी इन्होंने बंद किया। वो देखो ऊपर क्या लिखा है, आई लव देहरा, तो ये इसलिए लगाए होते लोग फिर भी नहीं टलते, उन्होंने गंद डालना, उन्होंने गंद डालना ही डालना है। आ गया जी टर्न यहाँ से ज्वाला जी वाला, और ये सामने हनुमान चौक बजरंगबली, जय बजरंगबली, जो कितना सुंदर है व्यू आ रहा है। सामने बोर्ड पालमपुर 68, धर्मशाला 54, चमंडास 56, बैदनाथ 85। अभी तक आपको नहीं पता लगा होगा हम जा कहाँ रहे हैं, ये तो हमें भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ों पर जा रहे हैं। कितना देखो इलेक्ट्रिसिटी का 132 किलो वाट के बी, और रानीताल यहाँ रह गया 19 किलोमीटर। फिर धूप आ गई यार, आई हेट धूप। आ गया रैन बसेरा, यहाँ कमरे मिलते हैं। अब यहाँ से 10-12 किलोमीटर का मजा आएगा, पूरा जंगल और सीधा सीधा रोड जाएगा, कोई ज्यादा चढ़ाई उतराई नहीं, तो यहाँ से फिर आप मजा लेते जाओ जंगल का। बैरीगेट ये लगाए ना जानवरों के लिए रोकने के लिए लगाए ना ये सारे जंगल के, ये वाले क्या कहता है ये जो बनल गई थी यूनिवर्सिटी ना। अच्छा जी अपनी सारी जगह कवर कर ली। ओके ओके। अच्छा ये यूनिवर्सिटी दे है, मैंने कहा कि जंगल का बैरिकेड किया उन्होंने, पक्के थे बनाते ना ना। कौन सी यूनिवर्सिटी बन रही है लिखा है बोर्ड CPW है ना। अच्छा दीवार भी है, ये बना रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल। अच्छा ओके। इन्होंने अभी हम पहुंच के दोस्तों रानीताल, और रानीताल के इस रस्ते के बाद 1 किलोमीटर के बाद आपको मिलेगा 4 लाइन, जो कांगड़ा चंडीगढ़ ज्वाला जी वाला रोड आ जाएगा, शिमला, तो वो सारा रोड बिल्कुल देखते हैं अभी कितना डेवलप हो गया, बन गया है। 10 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था तब, तो अभी क्या हुआ है उसका वो भी सीन देख लेते हैं। हाँ जी आ गया बिल्कुल, यहाँ से वो सामने दिखने लग गया, वो बन गया यार यहाँ तो है, पिछली बार आया था तो मतलब बड़ी फास्ट सर्विस हो रही है। ये देख यहाँ से हमने यहाँ लेना है टर्न, वो चला गया ज्वाला जी को, यहाँ से अगर राइट टर्न ले लोगे ज्वाला जी
और ये हो गया इधर पर, मेरे को लगता है टोल प्लाजा तो नहीं शुरू हो गया होगा। नहीं अभी नहीं शुरू हुआ। नहीं हुआ क्या, एक क्लास रोड हो गया यार, मजा आ गया। सिक्स लेन लगता नहीं अपन हिमाचल आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हिमाचल तो फील ही नहीं हो रहा है, यहाँ पहाड़ों से फील हो रहा है देखने से, अदरवाइज रोड आ तो बन गया था, मैं पहला रोड तो ये देखा, ये वाला नया बना अभी साथ में। अब हमारी गाड़ी जा रही है कैसे, शलांगा मार दी, मैंने याद आई तेरे यार दी। अच्छा ढाबे बहुत है ना अपने इस रोड के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की भी, रात को भी खाने की प्रॉब्लम नहीं है। ये तो कितना ना रोड कितना मजेदार हो गया यार, वेरी गुड यार। वहां से अगर आपने पठानकोट जाना है ना, तो फिलहाल तो ये उन्होंने नीचे के रखा हुआ है, और पीछे खुला था यार, अभी बंद कैसे कर दिया उन्होंने, बनाते होने पिछली लास्ट टाइम ऊपर से गया था, मैं गया जी। बड़ी फील अच्छा आया यार। अब ये वाला रोड है नीचे से पठानकोट को जाता है, ये तो ढाबे ढाबे यहाँ पर ना, ये शर्मा पर इनकी अब ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाएगी, गड्डिया ऊपरों निकल जानी है सारी, स्पेशली कोई नहीं उतरेगा नीचे पुल से। व्यू कितना सोना लग रहा है ना रोड से मिलने आके, अभी वो देखो मिट्टी उड़ रही है, इसका मतलब वहां से कच्चा है अभी भी, ये आ गया कच्चा पूरा खत्म करके कैसे कर दिया, सारा पहाड़ खा गए, ये सारा बिक भी गया होगा ना मिट्टी, एक एक तीर कई निशान नहीं लग गए इनके, ये भी भर्ती उत्थे बनना है, इत्थे अपनी जगह चाहिदी होंदी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा पुराना रोड आ गया ना, ये पहले वाला रोड है, पहले ऐसा था और पीछे कैसा था, बड़े अंकल जी आ गए HRTC वाले, गलतियां करके फिर ऊपर से निकाले भाई, एक तो गलती करते हैं फिर ऊपर से आंखें दिखाते हैं लाइटें मार मार, ओ देख हाँ जी हाँ जी, पूरा पहाड़ इन्होंने कर दिया, आ गया पक्का थोड़ा सा, क्या करेंगे वो जो पुल है पुराने वाला वो अटैच इनसाइड, ये आउटसाइड होएगा, दुबे कर दोगे ना, दुबे हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो गया यार, वाओ। ये अपनी रेलगाड़ी वाली कहाँ गई, ये पीछे पीछे है तेरे तेरे सर के पीछे, ये देख पूरा कर रहे हैं, अच्छा काम बहुत फास्ट किया उन्होंने, वो देख लिख दिया उन्होंने फीस प्लाजा, नो टोल प्लाजा फीस प्लाजा, थोड़ा सा पक्का हो गया है, नहीं तो यहाँ ना बड़ी गाड़ी घिसती थी जो कहीं ऊपर से आ गया ना, अभी भी कच्चा थोड़ा सा, ये तो पहाड़ी इधर से अभी वो रह गया एरिया इनका करने वाला, और यहाँ पर थोड़ा सा कच्चा है बाकी हो गया, ये तो पहाड़ देख ऐसे लग रहा है ना अच्छे से, लाल मिट्टी है, ड्रिलिंग कर रहे हैं, ये ड्रिलिंग करके बीच की करेंगे, नहीं ड्रिलिंग करके कच्चा कर देना, कच्चा करके फिर कच्चा करके फिर ना खींच लेते, ये तो कैसे नहीं, गाड़ियां लगी हुई है धड़ाधड़ गाड़ियां लगी हुई है, ये ट्रैक्टर वाले भाई साहब रास्ता दे दो यार, ये देख इसका कैसे झूल रहा है ऊपर, ये है खराब थोड़ा सा रह गया, बाकी हो गया ना पक्के पहाड़ है बहुत, चलो अंकल जी खींचो, अंकल जी बुड्ढे हो गए, देखना हाल भी इनका बेचारों का, गड्डियां बहुत आ रही है भाई, डोंट टेक, हाँ जी हाँ जी ठीक है जी, थैंक यू, अगर हाथ दे देना फिर ठीक रहता, चलो अभी चेक करते हैं कितना लगा रहे टोल प्लाजा, साइन बोर्ड लग गए हैं टोल प्लाजा के 1, 2, 3 और आगे जाके देखते हैं बनता है कि, आ गया जी सुंदर सा टोल प्लाजा जो लगने वाला है, आपको खर्चा बड़ा, देखो कैसे ना पीछे को साथ भी काम हो रहा है, ये देख इधर बजरी जो है नॉर्मल है ना, बजरी गटका भी बजरी भी पूरा कर रहे हैं, यही ना मटेरियल इतने यूज करी ना, हाँ जी हाँ जी यही से यूज करके इनको बैजी फिट हो गया अपने, आ जाओ अंकल जी आप ही आ जाओ पहले, मैं तो बाद में निकलूंगा फिर, कर दे जी कितना
रास्ता, बाकी ऑलमोस्ट हो गया ना रोड, ऐसे बैरिकेड वगैरह बना दिए उन्होंने, जिस ये फ्री वे बना दिया उधर, मेरे को लगता है ना उधर इनके लिए जिनके घर है ये फ्री वे है साथ में, ये भी पुल स्टार्ट हो गया भाई। ये कितना अजीब सा लगता था ये, मुझे कितना मतलब खुला रोड, और ये वाला कॉलेज, ये वाला बड़ी छोटी सी रोड होती थी, कितना बड़ा रोड हो गया यार, मतलब बंदा क्या कर देता यार, है ना। अभी भी मौसम स्वाद जो है खराब हो गया, ये क्या किया इन्होंने, ये कहाँ से आ रहे लोग भाई, अच्छा घूम के आ रहे हो। ये वाला रोड एक दो महीने में मेरे को लगता है मुश्किल से, है ना, ये बंद हो जाएगा, ये फिर ये लोकल ये लोग जो रहते हैं उनके लिए रह जाएगा, बाकी मतलब बहुत ही सामने फिर से दोबारा आ गया ना हाईवे, ये वाला कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। पर यहाँ से रोड इन्होंने क्यों चौड़ा किया हुआ, इधर पिंड वासन चढ़ना था। अच्छा कहाँ ऊपर वाले चले, बच गया ये देख, ये घर है क्या, कार्यालय है कोई, ये बच गया, ये भी घर, वो देख सीढ़ी उतनी सी रह गई थोड़ी सी, और यहाँ पर यही गाड़ियाँ उतरती हैं, गुफा ट्रक भी नहीं, आगे भी उन्होंने बैरिकेड लगाया हुआ है, आने वाले समय में रुकते खुल जाएगा ना, नहीं अभी गुफा बढ़िया बन जानी है दो, हाँ वही कह रहा हूँ, ऊपर टैंकियाँ, वो देखो डीसी देख कर, हाँ डीसी वाला बेर, अपने व्यू देख ले आ गया, वो ड्राइवर अंकल क्या कर रहा है, ऑलमोस्ट कितना मेरे ख्याल एक दो किलोमीटर का ही काम रह गया ना, बाकी तो हो गया रेडी, और ये सामने टनल देखो बनने वाली है, मेरे को लगता हो गया काम मैक्सिमम, है ना, ओए मिट्टी उड़ा दी ट्रक बस वाले ने, लग रहा है जोर गाड़ियों का और धूल उड़ाती हुई, पूरा बॉर्डर लग जाएगा अच्छी तरह से टू व्हीलर वालों को, तो कितनी मिट्टी उड़ा रहा है यार बंदा, छोटा सा रास्ता सबको आग लगी हुई है, ये नहीं कि उधर से भी लोगों ने आना है, पता कैसे पूरा रोड ब्लॉक कर दिया दोनों ने, वो आ गई हमारी टनल, यहाँ से टनल आ गई भाई, ये भी थोड़े दिन और देख लो ये भी बंद हो जाएगी, ये भी एक म्यूजियम बन जाना, ये टनल थी है, हम यहाँ से गुजरते थे, चलाना है यहाँ गुफा में आके जोर जोर से चलाना, ये कहाँ से बंदे जा रहे हैं भाई, ये झंडे लेके ये आ रहे हैं जा रहे हैं, नहीं पीवी 41 नंबर पंजाब की गाड़ियाँ हैं, ये आगे कहाँ जा रहे हैं, कांगड़े भी चलेंगे माता, अच्छा कांगड़े, ओके ओके ओके, कली दुकान रह गई टीसी दे, टीसी वाले बेर ते मैंने नहीं छोड़नी जो मर्जी कर, अभी हम पहुंच गए जी कांगड़ा की हद में, और ये रास्ता अभी फिलहाल पुराना ही है टूटा फूटा, ये देखो पत्थर कैसे कर रहे हैं ये लोग, आने वाले जा रहे मोटरसाइकिल वाले मुंडे, ये वाली है यहाँ रुक देना, आगे हाई गेज है, क्या हाई गेज है, अच्छा ऊपर ये लाइन पे बड़ी पिक्चरें ली है हमने, ये वाले वाले वो रास्ता नीचे जा रहा है वहां जाना हमने, कांगड़ा मार्केट में ये देखो कैसे आनंद लेते हुए जा रहे हैं, ये भी कांगड़ा माता के आए होंगे ना, तो पूरा ढोल वगैरह बज रहा है, ये मजे, ये सबसे गंदी आदत है, ये देख ना पी पी के बाहर ही फेंक रहे रोड के ऊपर, इन लोगों के ना ये जो बंदे इनको समझाना चाहिए, उसको समझ लग गई, पीछे बंदा वीडियो बना रहा है तो उसने हाथ में ग्लास पकड़ लिया, ये देखो रास्ता कितना छोटा है, यहाँ से जाएंगे हम 14 किलोमीटर धर्मशाला, सामने आ गया एंट्रेंस मैकलोडगंज 23 किलोमीटर, धर्मशाला 13 किलोमीटर, नड्डी 28 किलोमीटर, चमुंडा देवी 20 किलोमीटर, जयवल कैंट 12। अच्छा जी वेरी गुड, गुरुद्वारा साहब भी देख लो, कांगड़ा भी क्रॉस कर रहे हैं, और अभी तक भी धूप ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा यार, भाई को तुम कह रहे थे काले बादल कपड़े काले बागे आ गए, नहीं कपड़े काले बागे आ गए, आगे मोड़ पे देखना काले बादल, चलो देखते हैं, ये भाई साहब कह रहे थे कि काले बादल है वहां पर ऊपर, तो खुद काले कपड़े डाल के आ गए हैं, यहाँ धूप दे दी है, देखो कितनी धूप है, यहाँ तक भी धूप ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है,